से बेपनाह। बिल्कुल, सबको पता चल ही गया है मूवी दीपावा का। आज मैं ट्रेलर का रिव्यू करने वाली हूँ, और सबसे पहले आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल बॉलीवुड तड़का पे, जहाँ पे लेके आती हूँ बॉलीवुड की मूवीज के रिव्यू। और बात करें आज जो है ट्रेलर दीपावा, जैसा कि नाम है दमदार सा नाम है, वैसे ही है, जो भरपूर एक्शन हमें देखने को मिलेगा मूवी। डायरेक्ट की है तो वो है महेश मांजरेकर, और OTT प्लेटफॉर्म पे आपको Zplex पे आपको देखने को मिलेगी 14 जनवरी को। तो मूवी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा। ट्रेलर देख के है जो बहुत ही अच्छी मूवी लग रही है। कहानी बहुत सिंपल सी है, दो प्यार करने वाले जो एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, कैसे जो है एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, कैसे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं कि एक दूसरे का जो है खून भी जो है करना उनको कबूल है। तो ये क्या हो जाता है एकदम से दोनों के बीच में, ये तो खैर देख के पता चलेगा। बात करें यहाँ पे तो विद्युत जामवाल की, तो विद्युत की एक्टिंग की बात करें या एक्शन की बात करें, दोनों ही दमदार हैं और सासमेट एक्टर हैं। और मैं यही कामना करती हूँ आगे भी चल के उनको जो है बिग बजट मूवीज जो है ऐसी मिलती रहे। और बात करें यहाँ पे विद्युत और श्रुति हसन की, ये दूसरी मूवी है, पहले हम दोनों को ही एक साथ यारा मूवी में देख चुके हैं। और माइनस पॉइंट मूवी का ये रहेगा इसमें कि आपको जो है श्रुति हसन की मूवी जो है आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। वॉइस ओवर जो है श्रुति की आवाज पे किया गया है, पता नहीं क्यों, पर रीजन तो वही बता सकते हैं, पर माइनस पॉइंट यहाँ पे आके ये आ जाता है मूवी का। और डायलॉग्स की बात की जाए तो दमदार डायलॉग। पिंजरे में पैर रखने से पहले तसल्ली कर लेनी चाहिए कि पिंजरा बंद है, खास करके जब पिंजरे में। कहानी जैसे कि मैंने बताई आपको कि सिंपल सी कहानी है, पर जो है एक्टिंग और एक्शन की वजह से है जो कहानी को बहुत ही अच्छे से है जो डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया गया है मूवी को। और बात करें यहाँ पे तो मूवी की डिफरेंट लैंग्वेजेस में है जो आप मूवी को देख सकते हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जो है, ये इन तीन लैंग्वेजेस में है जो मूवी आपको देखने को मिलेगी। सो आप अपनी लैंग्वेज में है मूवी देख के एंजॉय कर सकते हैं। सो कहानी क्या है, कैसे जो है सब कुछ जो है इनकी लाइफ में होता है, ये सब जो है हमें 14 जनवरी को जो पता चलेगा मूवी देख के। और आप अपने कमेंट कीजिए, आपको है जो विद्युत जामवाल की एक्टिंग एक्शन कैसा लगता है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बात करूंगी विद्युत जामवाल के एक्शन की तो टाइगर श्रॉफ जो है बहुत जेलस फील करेगा। तो यहीं पे हम मैं अपना रिव्यू खत्म करती हूँ, और आप जरूर बताइए आपको जो विद्युत जामवाल और श्रुति हसन की ऑन स्क्रीन जोड़ी है कैसी लगती है। और मैं आपके लिए रिव्यू आगे लेके आती रहूंगी, और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है जो उसे क्लिक कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर एंड बाय।